लदीन अल मल्ला हया अल हिजाब फकत वाजिब नहीं है, हिजाब जिस मकसद से है वो है हया। हिजाब तो रहे लेकिन हया ना रहे तो लदीन अल मल्ला हया अल हदीस में आया है। ये नहीं फरमाया कि उसका दीन नहीं जिसका हिजाब नहीं, फरमाया उसका दीन नहीं जिसकी हया नहीं। बस औकात हिजाब जाहिर का रह जाए वो असल हिजाब होता नहीं, दिल की तसल्ली के लिए। हिजाब का मकसद ये है कि जब बास का जश्न है तो हिजाब पे तो बात होनी चाहिए। कि जब एक मस्तूर घर से बाहर निकले तो तवज्जोह का मरकज ना रहे, ऐसा लिबास हो। ये सादा सा उसूल मैंने दे दिया, यानी जीनत ना हो। तो अगर हिजाब बज़ाहिर तो है लेकिन लिबास ऐसा है, कहते हुए अच्छा नहीं लगता, यहां से कुछ अल्फाज आप खुद समझदार हैं, जिसमें आज़ाए बदन नुमाया है, मेकअप इस तरह का है। आपने अगर जश्न के लिए कोई इस किस्म का हिजाब करना भी है तो आप ऊपर से मुकम्मल एक सादा अबाया लेकर, मुकम्मल एक ऐसी चादर जो सर तपाप को ढांप रही, वो आ जाइए और आप मस्तूरात में आकर वो चादर जश्न के लिए, आपने चादर एक तरफ रख दी ताकि आप जश्न के लिबास में शरीक हो जाए। वरना नहीं मालूम कि फजल अब्बास सलाम इस पर राजी हो या ना हो। जानते पता है मामला मुश्किल कहां से होता है। पाकिस्तानी और इंडियन दोनों कह रहा हूं ड्रामे देखना बंद कीजिए यूट्यूब पे। पहले तो एक जमाना था कि जहां कोई ड्रामा देख भी रहा होता था क्योंकि 20 मिनट के दरमियान में ऐड आ जाता था तो फिर भी तवज्जो हट जाती थी। अब तो लोग फख्र से कहते हैं कि मौलाना ईशा की नमाज के बाद ड्रामा देखना शुरू किया, सारी किस्तें फजर से पहले पहले मुकम्मल की। अब मैं पूछने की हिम्मत तो कर नहीं पाता कि फजर की नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, वो मैं पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये सारी कमर्शियल वर्ल्ड है ना, जो चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल होती है उसके कंज्यूमर खुद आप होते हैं, तो खुद आप ही कस्टमर हैं। तो उस ड्रामे में है क्या? सास बहू की लड़ाई है, बेहयाई है, शौहर से बेवफाई है, शौहर का किसी और से ताल्लुक है, यही तो है। ये जहन को पोल्यूट कर रहा है। आप ये नहीं समझे कि हम तो ड्रामा देख रहे हैं, मेच्योर हो गए हम, फकत अपने मजे के लिए देख रहे हैं। जब आप देख रहे हैं तो आप नहीं रोक सकते अपने बच्चे को। आप अलवला तो सिर अभी है, बाप से भी कह रहा हूँ, बेटा तो बाप का राज होता है। अब्बास राज है, अली शिबन अभी ताले है। अब्बास राज है, अली शिबन अभी ताले है। तो इन खुराफात को खुदा के लिए अपनी जिंदगी से जब निकालेंगे तब पीस ऑफ माइंड में आएंगे। हम पीस ऑफ माइंड में इसलिए नहीं है कि हम खाना भी खा रहे हैं। बाज़ वालदैन कहते भी हैं कि मौलाना अगर बच्चे से मैंने 2 मिनट के लिए मोबाइल ले लिया तो ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा जैसे तड़प रहा है, जैसे मछली को पानी से निकाल दिया गया। तो उसकी कैफियत पहले दिन ये नहीं हुई, उसकी कैफियत चंद महीनों या चंद सालों बाद जाके बनी। इसलिए कि वैक्यूम कभी भी नहीं रहता, याद रखिएगा। आपने गैप दिया, मोबाइल फिल करेगा।